नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में मैं राहुल रंजन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे जो है हिस्ट्री का एमसीक्यू जो है पार्ट बाय पार्ट अपलोड किया जा रहा है, स्पेशली बीएसएससी बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है एंड बीएसएससी के जो एग्जाम दिसंबर मंथ में जो होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, तो इस चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहे। बता देना चाहता हूँ कि देख सकते हैं इस चैनल पे बहुत तरह का स्टडी मटेरियल रेलवे एसएससी बैंकिंग एंड अदर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड डेली जो है इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है पार्ट बाय पार्ट, जिस तरह से स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं उनके नीड को देखते हुए, ठीक है, डिमांड को देखते हुए आप लोग इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट हो वहां से क्लियर कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो और तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, उसके लिए स्पेशली वीडियो तैयार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो इस चैनल में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी को फायदा हो सके। चलते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हिस्ट्री का ये पार्ट फोर वीडियो है, इससे पहले अगर आप लोग पार्ट वन टू थ्री वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। पार्ट फोर वीडियो है, प्रत्येक पार्ट में जो है 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। दोस्तों प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है महाराणा प्रताप से संबंधित है, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में डायरेक्ट जो है CVT1 में एग्जाम में जो है पूछ दिया गया था कि चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, तो महाराणा प्रताप से संबंधित है, ठीक है। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1940 में हुआ था, राजस्थान के मेवाड़ जिला में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और उनकी जो है माता रानी जीवत कंबर के घर में हुआ था, ठीक है दोस्तों। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है याद कर लीजिएगा, जो कि काफी तेज दौड़ता है दोस्तों। बता देना चाहता हूँ, कहा जाता है ऐसा है कि चेतक घोड़ा ने अपने राजा को जान बचाने के लिए 26 फीट लंबे नाले के ऊपर से कूद गया था। आज भी हल्दी घाटी में जो है इसका समाधि बना हुआ है, चेतक घोड़ा के साथ महाराणा प्रताप उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन। किस सुल्तान को पागल कहा गया है। दोस्तों नसरुद्दीन महमूद को जो है पागल कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। वर्तमान में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के रावलपिंडी से जो है 18 मील उत्तर की ओर स्थित है, ठीक है। इसका स्थापना बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यह जो है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसका स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है। दोस्तों वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का यह नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। रजिया ने जो है रजिया सुल्तान ने अस्थाई सेना की प्रथा को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा यह कथन किसका है। बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन है। दोस्तों जितना ही मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितने गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम होते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए आप लोग अगर बीपीएससी या बीएसएससी का स्टूडेंट है प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और भी किसी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल सम्राट की बात करते हैं दोस्तों, बहादुर शाह टू थे। दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, और ऐसा कहा जाता है दोस्तों
कि जो है मुगल सम्राट मुगल वंश की संस्थापक बाबर को जाना जाता है, ये भी आपको याद करना जरूरी है। सबसे पहले मुगल वंश में जो है बाबर आए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसी तरह से इनका सीरीज है, याद कर लीजिएगा। लास्ट में जो बात करते हैं दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? वो संत का नाम है दोस्तों स्वामी विवेकानंद, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? इस आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, उस समय लाला हरदयाल नेतृत्व में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? दोस्तों 19वीं शताब्दी के दौरान वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार का पटना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 में हुई थी, याद कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को जितना भी क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। और इससे पहले वाला जो भी पार्ट है उस पार्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए सभी को देखते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? कांग्रेस के 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था, किससे संबंधित है? दोस्तों गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम किसे जाना जाता है? कायदे आजम से जो है मोहम्मद अली जीना को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सूफी संत ख्वाजा मुइदून चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? दोस्तों सूफी संत ख्वाजा मुइदून चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में राजस्थान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो को तुगलकनामा के रचनाकार से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? दोस्तों उदयीन जो है था, इसी ने जो है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रचलित बिस्टी क्या था? मौर्य काल में प्रचलित बिस्टी निशुल्क श्रम था, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का
सेंड्रो कोट्स के रूप में किसकी पहचान की थी? विलियम जोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बरदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गद्दर पार्टी की स्थापना किया था? गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तूती ये हिंद जिसको हिंद का तोता बोला जाता है किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। तूती ये हिंद यानी हिंद का तोता अमीर खुसरो को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? पतन नगर बंदरगाह जो है ये लोथल था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में आया था? चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मोरक्को का यात्री इवन बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? दोस्तों मोरक्को का यात्री इवन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने अपने शासन काल में 24वें वर्ष में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? गुप्त संवत प्रारंभ करने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन शक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है? नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? शीशा का सिक्का दोस्तों सातवाहन ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? अकबर ने कविराज की उपाधि बीरबल को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों टोटल जो है हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। आई होप, आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय किए हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट इसका जो है जल्द ही अपलोड होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पे जो है मैं जितना वीडियो अपलोड करता हूँ उसका पीडीएफ 2 से 3 दिन में टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहां से डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।